ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मोदी सरकार की मंत्री और बीजेपी के टिकट पर यूपी की सुल्तानपुर सीट से चुनाव लड़ रही मेनका गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वे मुसलमानों से वोट देने की अपील कर रही हैं और कह रही हैं कि अगर वे उन्हें वोट नहीं देंगे तो उनके लिए भी उनका काम करना मुश्किल होगा। मेनका गांधी इस वीडियो में एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले वाली बात कह रही हैं। मेनका गांधी इस वीडियो में कह रही हैं कि मैं जीत रही हूं, लोगों की मदद और प्यार से मैं जीत रही हूं। लेकिन अगर मेरी जीत मुसलमानों के बिना होगी तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इतना मैं बता देती हूं कि दिल खट्टा हो जाता है। फिर जब मुसलमान आता है काम के लिए तो मैं सोचती हूं कि रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, आखिर नौकरी एक तोदेबाजी भी तो होती है। बात सही है कि नहीं, आप भी सुनिए मेनका गांधी ने क्या क्या बोला। मैं जीत रही हूँ, लोगों की मदद, लोगों की प्यार से मैं जीत रही हूँ। लेकिन अगर मेरी जीत मुसलमानों के बिना होगी तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इतना मैं बता देती हूँ कि फिर दिल खट्टा हो जाता है। फिर जब मुसलमान आता है काम के लिए, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। आखिर नौकरी एक सौदेबाजी भी तो होती है। बात सही है कि नहीं? ये नहीं कि हम लोग सब महात्मा गांधी के छठे औलाद हैं कि हम लोग आए केवल हम देते ही जाएंगे और फिर इलेक्शन में मार खाते जाएंगे। सही है बात कि नहीं सही है, ये आपको पहचानना पड़ेगा। ये जीत आपके बिना भी होगी, आपके साथ भी होगी, और ये चीज आपको सब जगह फैलानी पड़ेगी। जब मैं दोस्ती के हाथ लेकर के आई हूँ, और अगर आप पीलीभीत में पूछ लें, अगर पीलीभीत का एक भी बंदा फोन से आप पूछ करके पूछे कि मेनका गांधी कैसे थी वहां, अगर आपको लगे कि कहीं भी हमसे गुस्ताखी होगी तो हमको वोट मत देना। मेनका गांधी यही नहीं रुकी, उन्होंने वोट नहीं देने पर काम नहीं करने की धमकी तक दे डाली। उन्होंने कहा, ये इलेक्शन तो मैं पार कर चुकी हूँ, अब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। अब आपको जरूरत के लिए नींव डालनी है तो यही वक्त है, जब आपके पोलिंग बूथ का नतीजा आएगा और उस नतीजे में 100 वोट निकलेंगे या 50 वोट निकलेंगे, और उसके बाद जब आप काम के लिए आएंगे तो वही होगा मेरे साथ। आप भी सुनिए मेनका गांधी ने वोटरों को कैसे धमकाया। ये इलेक्शन तो मैं पार कर चुकी हूँ, अब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, अब आपको ये जरूरत के लिए नींव डालना है तो ये है वक्त। आपका जब पोलिंग बूथ का आएगा रिजल्ट, और उस रिजल्ट में 100 वोट निकलेंगे और या 50 वोट निकलेंगे, तो उसके बाद जब आप काम के लिए आएंगे तो वही होगा मेरे साथ। समझ गए आपको? आपको बता दें कि मेनका गांधी वर्तमान में पीलीभीत से बीजेपी सांसद हैं। वे इस सीट से 6 बार सांसद रही हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें सुल्तानपुर से टिकट दिया है। बीजेपी ने पीलीभीत से उनके बेटे वरुण गांधी को उम्मीदवार बनाया है। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।